भाई और बहनों, रोजगार के अवसर तब और बनते हैं जब किसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। इसलिए केंद्र सरकार यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। पिछली बार जब पड़ोस में झारसुगुड़ा आया था तो यहां ओडिशा के दूसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया था। हवाई यातायात के अलावा ओडिशा सहित पूरे पूर्वी भारत में रेलवे के विस्तार पर भी सरकार का फोकस है। बीते साढ़े चार वर्षों में ओडिशा में रेलवे के विकास के लिए ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। अकेले रेलवे में हमारे उड़ीसा को 20,000 करोड़ रुपए का काम कौन उड़ीसावासी इन बातों के लिए गर्व नहीं करेगा। ये पुरानी सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक है, 5 गुना। यानी जितना काम हमने किया अगर पुरानी सरकार को करना होता तो 25 साल और लग जाते, आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ जाती। इतना ही नहीं, रेल पटरियां बिछाने के मामले में भी हमारी सरकार 3 गुना ज्यादा तेजी से काम कर रही है। साथियों, आज रेलवे से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन हुआ है। बलांगीर से बिछुपल्ली के बीच बनी नई रेल लाइन का शुभारंभ होने के साथ ही इस रूट पर नई ट्रेन भी आज से शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि पैसे की भी बचत होगी। आज जिस रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है उसका विस्तार खोरदा तक हो रहा है। जब ये पूरी लाइन तैयार हो जाएगी तो हावड़ा चेन्नई तक ये क्षेत्र जुड़ जाएगा। तटीय और पश्चिम ओडिशा कनेक्ट हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भुवनेश्वर और पुरी की दूरी भी कम हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन आज किया गया है। ये तमाम सुविधाएं इस पूरे क्षेत्र में आवाजाही को तो आसान बनाएंगी ही, यहां जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसके उचित विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। यहां नए उद्योग लगेंगे, यहां के जो छोटे उद्योग हैं उनके विकास को गति मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे हमारे किसान भाई बहनों को भी लाभ होगा। अब ओडिशा देश की बड़ी मंडियों तक उनकी पहुंच आसान होगी। वो अपनी उपज, फल फूल सब्जी आसानी से बड़े बाजार तक भेज पाएंगे। साथियों, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमारे आदिवासी अंचलों में रहने वाले बहन भाइयों पर भी विशेष जोर होता है।